घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन ईश्वर का वचन अनंत काल तक बना रहता है। इसाईस नबी का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 8। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शब्द हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि शब्दों के सहारे हम एक दूसरे के साथ संबंध में जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, और इसी तरीके से हमारा जीवन सुचारू रूप से इस दुनिया में चलता है। हमसे बातें करने के लिए ईश्वर ने भी यही रास्ता चुना। वह भी चाहता है कि हमसे संबंध बनाए, हमारे साथ कार्य करे, हमारे द्वारा कार्य करे, और इसलिए उसने अपने शब्द द्वारा हमसे बातचीत करनी चाहिए। और क्रिसमस के दिन हमने यही शुभ दिन मनाया, जब ईश्वर का शब्द हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस संसार में आया और शरीर बन गया, हमारे समान बन गया, ताकि ईश्वर का शुभ संदेश वह हम सबों के साथ बांटकर हमें ईश्वर के साथ संबंध में जोड़ सके। आज के पवित्र सुसमाचार में योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में हम सुनते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ही ईश्वर था। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन दिनों हम क्रिसमस के अठवारे में हैं। 8 दिन के इस काल समय में हम क्रिसमस के आनंद से भरे हुए हैं, और उस यीशु की सुख शांति और आनंद को अनुभव करते हैं, जैसा सबों ने उस रात में किया। और आज इस वर्ष का आखिर दिन भी है। ये वर्ष का आखिरी दिन हमें ये याद दिलाता है कि हमें ईश्वर को संपूर्ण दिल से धन्यवाद देना है, क्योंकि ईश्वर ने इतना महान कार्य हम सबों के लिए किया। उसने हमारे लिए अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, ताकि हम उसके साथ संबंध में जुड़ सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे ये दिन समाप्त होता है, जैसे ये वर्ष समाप्त होता है, आइए हम इस वर्ष में प्रण करें कि ईश्वर के वचन से और अधिक प्यार करें, क्योंकि ईश्वर का वचन, जैसे इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में वचन कहता है कि ईश्वर का वचन किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। ईश्वर का वचन हमारे आत्मा के अंतरतम में सब कुछ जान जाता है, हमारे विचारों को जान जाता है, और ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो इस आखिरी दिन, जैसे हम पूरी दुनिया के साथ में नया वर्ष मना रहे हैं, इस नए वर्ष में आइए हम लोग प्रण करें कि हम प्रभु के वचन के साथ जुड़े रहें। कम से कम ईश्वर के वचन के पठन को हमारे एक जीवन में एक थोड़ी सी जगह दे दें, थोड़ी सी जगह। हर रोज़ ईश्वर के वचन का पठन करें, उस पर मनन चिंतन करें, और उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न करें, क्योंकि ईश्वर के वचन के बिना हम कभी भी ईश्वर के साथ जुड़ नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर का वचन ही हमें प्रेरित करता है कि हम प्रार्थना में सजग हो जाए और ईश्वर के साथ संबंध में जुड़कर ईश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में जाने और एक योग्य साक्षी के रूप में अपने आप को दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। तो एक अच्छा मौका है, एक अच्छा समय है, नए साल की शुरुआत में आइए नए सिरे से हमारे जीवन की शुरुआत करें, और अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के राज्य के कार्य में आगे बढ़ने के लिए समर्पित करें। आमीन।